लिटरली आई जस्ट लव हिम सो मच. तो मैं जब बारी स्टूडियोज गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं बारी स्टूडियोज में अपना शो कर रहा हूँ. आई लॉन्च दिस शो डिलिबरेटली फ्रॉम बारी स्टूडियोज, क्योंकि एक जुमला मुझे कहा था राहिल बारी ने, मुझसे कहने लगा कि ये यहाँ वही मुराद के कदमों के निशान है. मैंने कहा सर आपके अलावा ये कहीं से लॉन्च हो नहीं सकता, शो यहीं से लॉन्च होगा. एंड माई गॉड, वो जो लोग बताते हैं कि वहीद साहब कोई चाय वाला है तो वो वहीद साहब को जानता था, वहीद साहब उनके साथ बैठ के चाय पी लिया करते थे. कोई अगर हलीम वाला है तो वो वहीद साहब को जानता था, कोई अगर खातरूब है तो वो वहीद साहब को जानता था. और अभी जब मैंने आदिल को देखा तो आदिल वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर साबिर साहब टू सेट एंड जाहिद साहब टू सेट. सो आई थिंक दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ वहीद साहब. Before I say anything, Sahib, सबसे पहले, in all my humility, I would like to thank all his fans, all around the world, who have kept his memory alive and growing stronger day by day. जितने भी उनके fans हैं, मैं तहे दिल से बहुत humbly उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. तो पता तुम उनकी तरह से लगने लगे हो अब. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, पहले शायद इतना नहीं लगते थे, अब बिल्कुल लगने लगे हो. स्माइल इज द सेम, ऑफ कोर्स द हाइट इज देयर, एंड देन अब तो फेस वगैरह बहुत बहुत मिलने लगा. सो आई गेस आई एम ग्रोइंग अप टू बी वहीद मुराद. यू आर अ वेरी गुड लुकिंग मैन. आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट यू आर अ वेरी गुड लुकिंग मैन. आई हैव नो इनसिक्योरिटी. थैंक यू. अच्छा जनाब, सो टेल मी हाउ इज ही एज अ फादर. अमेजिंग. क्या छोटा था वक्त, बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जितना वक्त मिला वो बहुत अच्छा वक्त मिला. सबसे अच्छी मेमोरीज उनके साथ ड्राइव पे जाने की, या साइकिलिंग की. क्रिकेट का बहुत शौक था उनको, शोबिस की टीम से खेलते थे. मुझे पहली दफा क्रिकेट का बैट पकड़ना उन्होंने सिखाया, बॉल करना उन्होंने सिखाया. एंड दैट इज माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरी, कि जो चीज मैं आज अपने बेटे को सिखाता हूं. आपके बेटे का नाम क्या है? नाम क्या है आपके बेटे? मेरे बेटे का नाम आयान और दूसरे बेटे का नाम है अरमान. अरमान, आयान और अरमान, आपके साथ साबिर सिद्दीकी साहब हैं. इन्होंने 20 साल आपके फादर के साथ, तकरीबन 20 साल लगता था शुरू से. बिल्कुल. उनका आखिरी फिल्म हमारी उनके साथ दुश्मन थी, जो हमने बारी में बनाई थी. बारी स्टूडियो में? बारी स्टूडियो. हम पहले वहीं बनाते थे फिल्म. और जाहिद हुसैन साहब जो उनके डिजाइन करते थे वगैरह. जाहिद साहब, साबिर साहब, आप दोनों की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इस इंडस्ट्री में, हमारे सिनेमा के लिए, हमारे आर्टिस्ट के लिए. आप दोनों को मैं सलाम पेश करूं, क्योंकि सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बिहाइंड द कैमरा लोग, जितनी मेहनत उनकी होती है, हम तो खूबसूरत सा सेट देखते हैं, कितनी खूबसूरती है, कितनी रौनक है, लेकिन उसको सजाने वाला शख्स किस मेहनत से उसको सजाता है वो शायद किसी को पता नहीं चलता. आई थिंक यू सो राइट, यू सो वेरी राइट. जब ये शो खत्म हो जाएगा तो मैं भी आपसे एक चीज आज शेयर करूंगा. बट एनी वे, कमिंग बैक टू यू, सो टेल मी, जब तुम पीछे टाइम में जाते हो तो अपने फादर की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी लगती? सबसे फेवरेट अरमान और मस्ताना माही मुझे बहुत पसंद. मस्ताना माही, दैट वॉज इज पंजाबी फिल्म. ओह, आई उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी. वो मुझे बड़ा इमोशनल था, मैंने जब बचपन में देखी थी, क्योंकि उसमें उनका डबल रोल था, एक में उनको मार भी पड़ती है. तो मुझे बड़ा बचपन की यादों में से वो एक याद होती है ना, कि कोई आपको टिकल करे, तो वो एक उन यादों में से थी कि मुझे याद था वो एक पोस्टमैन है और एक डॉक्टर है. तो जब उनको मार पड़ती है तो मुझे बड़ा इमोशनल बचपन हुआ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था फिल्म है जी अब्बू को कौन मार रहा है. तो बड़ा इमोशनल हुआ था उस वक्त. अच्छा, और वो सबसे अच्छे किन के साथ लगे? सबसे अच्छे किन के साथ लगे? सबसे अच्छे मुझे रानी साहिबा के साथ और जेबा साहिबा के साथ.
उनकी एक फिल्म थी जिसका एक गाना था आई थिंक अंदुलीप थी, कुछ लोग लूट कर भी लगते हैं कितने प्यार, एंड आई थिंक दैट वाज शबनम, इट वाज एन अनबिलीवेबल फिल्म एंड एन अनबिलीवेबल सॉन्ग. अच्छा, उनके आवाज़ पे, उनके चेहरे पे मेहंदी खान साहब की आवाज़ और अहमद रुश्दी साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिफेंड है. अच्छा, तुम फिल्म की तरफ कभी नहीं आए, एक फिल्म की फिल्म? अनफॉर्चुनेटली मैं जब फिल्म की तरफ आया तो फिल्म मेरी तरफ से चली गई. क्या मतलब है? जब मैं इंडस्ट्री में आया तो फिल्म बनना बंद हो. अच्छा, तो यू नेवर ट्राई टू रिवाइव इट? उसके बाद आई वेंट, एज यू नो वी वर इन द सेम सिटी, तो आई वाज स्टडिंग दैट. उसके बाद जब वापसी हुई तो फिल्म नाम की कोई चीज रही नहीं थी. बट आई एम प्रोड्यूसिंग नाउ एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर कभी मौका मिला तो कुछ तो इस इंडस्ट्री के लिए करूंगा जरूर. देखो, आई ओट टू द इंडस्ट्री. अच्छे अच्छे से लोग जो हैं वो ऐसे सीनियर हो जाएंगे और उनको कोई चांस नहीं देगा. जब भी तुम फिल्म प्रोड्यूस करो प्लीज मेरी सिफारिश कर देना, एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे चाहिए तुम्हारी फिल्म. एनी टाइम आई विल टेक यू अप ऑन द ऑफर. यस, फ्री ऑफ चार्ज, जीरो मनी, नो मनी इन्वॉल्व्ड, नो मनी, एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज इट्स अ रीमेक ऑफ अरमान. आई रियली वांट टू डू दैट यार. रीमेक? नो वे. नो नो, ये बात काफी दफा डिस्कस हुई. अच्छा, वो बन नहीं सकता इसलिए अरमान के लिए, बिकॉज अरमान जिन लोगों के जहन में है, द टाइम दैट इट टेक्स यू बैक इन टू, जिन लोगों ने उस दौर में वो फिल्म देखी, जिनके सेंटिमेंट्स उस फिल्म से वाबस्ता हैं, जो माहौल था, जो उनके जहन में फीलिंग्स थी, वो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते. और सबसे बड़ी बात कि हम वहीद मुराद और ज़ेबा कहां से लाएंगे. पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में बनी थी, अरमान वाहिद पिक्चर थी जिसने प्लैटिनम जुबली की. इससे पहले किसी फिल्म ने प्लैटिनम जुबली की? वो चार लोगों की जीनियस, फोर जीनियसेस वर्क ऑन दैट फिल्म. असुर अनवर, सुहेल राणा, माय फादर एंड परवेज मलिक साहब. तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कभी, तो वो एक कॉम्बिनेशन था, उन चारों का एफर्ट था. एंड अनदर वन, अहमद रुश्दी साहब. अहमद रुश्दी साहब की आवाज, ऑफकोर्स. एक एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक मुझे लेना है. कल की विनर जो है, हमने वहीद मुराद साहब के लिए एसएमएस कहा था कि आप कीजिएगा, तो कल की विनर जो है वो सदफ है फ्रॉम कराची. एंड ऑफकोर्स आज के सवाल मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद. कुछ ब्रेक का सुनिए, आपकी रिटायरमेंट हो रही है, अब पहली तारीख को क्या होगा? अरे भाई, टेंशन क्यों लेती है? हमारा बैंक अल हबीब है ना, इस पर हमें बरसों से एतमाद है. हाँ. तो बस मैं वही सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, जहाँ रिटायरमेंट के बाद भी मिले हर माह ज्यादा मुनाफा. बैंक अल हबीब, सीनियर सिटीजन अकाउंट, ज्यादा मुनाफा, बहुत सा ख्याल. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का. नया डेयरी उमंग, आला क्वालिटी डेयरी जिसमें स्टाफ महफूज और कीमत मुनासिब. डेयरी उमंग से मिले सेहत भी, बचत भी. अब 99.99% तक जरासीम से हिफाजत मिले सिर्फ 99 रुपीज में. सुपर फास्ट हैंड वॉश, लाइफ वॉश. नया गार्नियर मेन, इसमें है कुदरती लेमन एसेंस और SPF 15 की फोर असर फैन. पहले दिन अपनी स्किन टोन मेजर करें, दिन ब दिन स्किन बने फेयर और डार्क स्पॉट चाहते रहें. मेजर करें और माने गार्नियर लाइट क्रीम. कितना अच्छा लगता है जब मिले कुछ एक्स्ट्रा. अपनी नई जैक सिम से पाएं 1000 फ्री मिनट और 1000 SMS बिल्कुल फ्री. बस 100 रुपए का बैलेंस लोड करें और 44 के SMS करें. ऐसी सिम और कहां? इसीलिए तो मोबाइल इन जैज अपना है. दिखाए सोने की झलक, ये रेशमी अदा जो ले जाए आपको सितारों की दुनिया में. बजट के अंदर घर चलाना, आप जो भी इस्तेमाल करें सोच समझ कर करें. खास तौर
तौर पर जब आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए हो सिर्फ बेहतरीन, और मेरी ये जरूरत पूरी करता है नया डेयरी उमंग, आला क्वालिटी डेयरी जो है साफ, महफूज और कीमत मुनासिब, यानी अब मुझे कोई समझौता नहीं करना पड़ता। डेयरी उमंग से मिले सेहत भी बचत भी। हमारे पास इसका अभी एक और हो जाए, हो जाए एक और क्या? आई थिंक एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं। जेबा जी हमारे साथ लाइन पे हैं। अच्छा ओके, आई थिंक मुझे भी बताया जा रहा है कि अभी आ रही हैं। मैंने ये स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इनसे, मुझे गाना बहुत पसंद है जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन थे। थैंक यू जी, आपको पता नहीं लाइव जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, मैं दिखा दूँ, निकाल दूँ। अच्छा जी, राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, देबा जी इज ऑन एयर राइट नाउ, लेट्स टॉक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम देबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ यहाँ आदिल मुराद भी बैठे हैं, आदिल हैं, और जेब आपी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। जेब आपी कुछ बताएंगी वहीद साहब के बारे में, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आदिल, असल में आपके फादर जो थे वो मेरे बहुत अच्छे कुलीग, बहुत अच्छे दोस्त। मेरा ख्याल है मेरा इतना अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है न था जितने अच्छे वही थे। तो पहली बात तो ये है।